ருக்ருக்கேனாதே கருக்ருக்கே Take Bina Break. Download Tuck app. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पीटीएम को रद्द करने की मांग की है। इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके डॉक्टर हर्षवर्धन की मांग को गलत बताया और पीटीएम समय पर होने की बात कही। ये लोग पीटीएम क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं? पीटीएम में माँ बाप को अपने बच्चों की प्रगति टीचर्स के साथ डिस्कस करने का मौका मिलता है। कई पेरेंट्स पीटीएम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पीटीएम समय पर होगी, मैं भी पेरेंट्स का फीडबैक लेने कल किसी एक स्कूल में जाऊंगा। बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 4 जनवरी को 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसके विरोध में सरकारी स्कूल शिक्षक संघ ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की थी। सरकारी स्कूल शिक्षक संघ ने पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड होने का हवाला दिया। इस स्थिति में स्कूल बंद होने का हवाला देते हुए पीटीएम के आयोजन को लेकर आपत्ति जताई और इसे रद्द करने की मांग की। जीएसटीए की इस मांग पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर संज्ञान लेने के लिए उपराज्यपाल से अनुरोध किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की इस मांग पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मांग को शर्मनाक बताया। तो प्री बोर्ड के रिजल्ट पर अगर पेरेंट्स के साथ टीचर चर्चा कर लेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिढ़ हो रही है जी? भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी 45 दिन रह गए बोर्ड के एग्जाम में। टीचर्स चाहते हैं कि वो अगले 45 दिन पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चे की सक्सेस का एक खाका बनाएं। ये सबसे क्रूशियल 45 दिन है इन 6 लाख बच्चों के जीवन में। बोर्ड के रिजल्ट से पहले टीचर्स के पास अनुभव है, टीचर्स के पास में हर बच्चे के बारे में नॉलेज है कि कौन बच्चा कहां वीक है, उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। पेरेंट्स के साथ बैठ के वो चाहते हैं कि उस पर चर्चा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि टीचर्स और पेरेंट्स बैठ के चर्चा करें। आज टीचर्स इस बात को चाह रहे हैं कि पेरेंट्स से 4 मिनट बात करने का, 10 मिनट बात करने का मौका मिले तो वो एक एक बच्चे के बारे में बात कर सके। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स कर दोनों पर निशाना साधा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में लिखा, मनीष सिसोदिया जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के मालिक नहीं। मैं आम आदमी पार्टी की संस्कृति व उसकी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। लोगों की समस्याओं को सही जगह तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। वोट की खातिर आप बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की बात कही। सरकार के लोग इतने बौखला के चैलेंज क्यों कर रहे हैं, इतनी घटिया बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में जो उनका हश्र अभी 1 महीने के बाद होने वाला है, उससे परेशान होके अभी ऐसा नहीं, अभी आप देखेंगे 1 महीने में इस तरह के बहुत बयान आएंगे। हम लोग अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म की सिंसियरिटी में विश्वास रखते हैं। और शिक्षा मंत्री मैं दिल्ली में रहा हूँ, मुझे ना तो मनीष सिसोदिया साहब के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, शिक्षा जगत मेरे बारे में जानता है।